हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिशाल यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, नई नोटिस है। 4 अक्टूबर 2022 को नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एडवर्टीजमेंट, परमानेंट पोस्ट है, सैलरी अच्छी रहेगी, 80,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी, मंथली सैलरी होगी। नो एप्लीकेशन फी फॉर वेमेन कैंडिडेट्स, एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। थंबनेल पर सब्जेक्ट्स आप देख सकेंगे, आगे बाकी की डिटेल्स हम कवर करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लास्ट में लिखे हुए। अगर किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो वो यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अरेबिक में 4 पोस्ट है, बंगाली में 3 पोस्ट है, जिसमें बंगाली में अनरिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है, तो मतलब जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। बॉटनी में टोटल 6 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 10 पोस्ट है टोटल। लास्ट कॉलम में लिखी हुई है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। केमिस्ट्री में टोटल 10 पोस्ट है, कॉमर्स में 9 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, इंग्लिश में 8, एनवायरमेंटल स्टडीज में 3, हिंदी में 6, हिस्ट्री में 5, मैथमेटिक्स में 12, पर्सियन में 3, फिलोसफी में 4, फिजिकल एजुकेशन में 1, फिजिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में 6, साइकोलॉजी में 6, संस्कृत में 3, उर्दू में 5 एंड जूलॉजी में 7। तो इतने सारी वैकेंसीज हैं। अब इसमें नोटिस रिलीज कहाँ से हुई है ये चेक कर लेते हैं। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 4 अक्टूबर, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन। 4 अक्टूबर 2022 को नोटिस रिलीज हुई है। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जिनमें से एक है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो यहां से नोटिस रिलीज हुई है। अभी यहां पर देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। इसमें लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 22 अक्टूबर 2022। 22 अक्टूबर 2022 तक का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एनी अडेंडम और करिगेंडम शैल बी पोस्टेड ओनली ऑन द कॉलेज वेबसाइट। एक बार एडवर्टीजमेंट आ गई तो कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो कॉलेज वेबसाइट आप एप्लीकेशन करते हैं तो मतलब टाइम टू टाइम आपको रेगुलर बेसिस पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होती है। 57,700 इन द एकेडमिक पे लेवल 10 एज पर 7 CPC प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसिबल अंडर द रूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिल्ली में HRA जो होती है, हाउस रेंट अलाउंस, वो ज्यादा होती है, इसलिए सैलरी यहाँ पर ज्यादा होती है क्योंकि HRA ज्यादा मिलती है मेट्रो सिटी होने की वजह से। अब इसमें जो है बाकी के डिटेल्स हिंदी में भी दिए हुए हैं, सब्जेक्ट के डिटेल, बाकी जो अपने नॉर्मल रहते क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, अदरवाइज UGC नेट, और अगर आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में से किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से PhD डिग्री ली हुई है तो फिर विदाउट नेट या विदाउट CSIR नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है। एप्लीकेशन फी इसमें दी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं भी होती है, तो वो सारी डिटेल इसमें चेक कर सकते हैं। टोटल 20 पेजेस की है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हो रही है वगैरह वो सारी चीज़ दी हुई है। अगर एप्लीकेशन फ़ी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 11.4 आप विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म। नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWBD कैटेगरी एंड वीमेन एप्लीकेंट्स। जब वीमेन एप्लीकेंट्स लिखा है मीन्स ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, नो फी। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए अब फी रहेगी जो कि 500 रुपीज़ है, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये। फी जो भी होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो पहले एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरीके से बैठ के आराम से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जाकिर हुसैन कॉलेज की, दिल्ली कॉलेज की, इस तरीके से आपको नजर आएगी इस ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज। तो यहाँ पर लिखा है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ऊपर में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये मैंने स्क्रीन बड़ी की तो अभी आप देख सकेंगे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें ही कहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आप तो मुझे यहीं पर मिल गई थी, लेटेस्ट में ही व्यू ऑल में ही मिल गया था, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो लेटेस्ट न्यूज़ जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगी यहाँ पर 4 अक्टूबर 2022 की डेट से अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, रीड मोर। तो इस पर आपको मिल जाएगी, कहाँ पर आपको देखना, ऑल लेटेस्ट न्यूज। तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो राइट हैंड कॉर्नर पे आपको ऑल लेटेस्ट न्यूज रहेगी, ऑल लेटेस्ट न्यूज पर क्लिक करने से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वाली जो ये है नोटिस है वो नजर आएगी। उस पर क्लिक करेंगे रीड मोर पर तो लिंक आएगी, एप्लीकेशन की भी लिंक मिल सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो पेज नंबर 2 पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें https://colrec.uod.ac.in, इस पर आपको जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। इसमें कभी कभी जो कॉलेज का नेम है वो ऐड होने में वक्त लगता है, तो आप 2-3 दिन वेट करें या 4-5 डेज। तो colrec.uod.ac.in ये पोर्टल बनाई गई है न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं, इस पर जाकर एप्लीकेशन की जा सकती है। तो इस पर ही एप्लीकेशन आपको करनी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर आप लिंक सर्च करें तो मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन कर लें।